भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे 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 गोविंदा। भज मन राधे 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 गोविंदा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को लेकर चल रहा हूँ इस्कॉन टेंपल में। हालांकि जो फर्स्ट वीडियो था मेरा वही इस्कॉन टेंपल का था, लेकिन क्या हुआ कि सरस्वती पूजा वाला दिन जब मैं सरस्वती पूजा घूम रहा था तो उसका साथ में इस्कॉन मंदिर भी चला गया मैं। तो मैं सोचा कि इसको भी क्यों ना शूट कर लिया जाए, लेकिन वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने अलग कर दिया इस वीडियो को। पर चलिए कोई बात नहीं, आप ये वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। सो हेलो गाइस, दिस इज उदेश दास ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल उदेश व्लॉग्स। तो चला वीडियो शुरू करी। दोस्तों, मुझे थोड़ा सा देरी हो रहा था, लेकिन इस मुसीबत का टाइम में मुझे एक अच्छा फ्रेंड मिल गया। तो वो फ्रेंड मुझे लाल गणेश छोड़ दे रहा है और लाल गणेश पहुँच के आपसे बात करता हूँ मैं। तो दोस्तों, लाल गणेश में मैं जिस काम से आया था, जहाँ पे आया था, एक्चुअली वो काम हो नहीं पाया। अभी दूसरी जगह, यहाँ से चलते हैं और चलिए अब यहाँ से इस्कॉन चलते हैं सीधा। One eternity later. तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग जाएंगे पलटन बाजार और पलटन बाजार पहुँच के बात करता हूँ आपसे। यहाँ पे नॉइस बहुत ज्यादा है, आपको कुछ सुनाई भी नहीं देगा क्लियरली। चलिए आप पलटन बाजार पहुँच के मिलते हैं आपसे। The next day. तो दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ फाइनली पलटन बाजार। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ इस्कॉन में और बहुत दिनों बाद मंदिर खुला है भाई। मैंने लगभग लास्ट टाइम फरवरी मंथ में ही दर्शन किया था भगवान का, लास्ट जब जिस दिन मंदिर बंद होने वाला था उस दिन, और उसका नेक्स्ट डे मंदिर बंद हो गया। और इत्तेफाक देखिए, फरवरी में बंद हुआ और फरवरी में ही खुल रहा है मंदिर। लगभग एक साल हो गया मंदिर में दर्शन किए हुए। तो चलिए अभी फिलहाल चलते हैं। और दोस्तों, और एक बात बता दूँ, मुझे थोड़ा सा भूख लगा है तो मुझे कुछ खाना पड़ेगा यहाँ से। और मैं अपना मेरे लिए खाना ढूंढ रहा हूँ, देख रहा हूँ कहीं कुछ वेजिटेरियन में मिल जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि नॉन वेज तो मैं खाता नहीं हूँ। और मैं सुबह से लगभग घर में जो बना था वही खा के आया हूँ, लेकिन दिन में अभी तक कुछ नहीं खाया। मेरे को भूख लगा है बहुत जोर का, लेकिन कहीं कुछ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, उल्लूबाड़ी में एक दो है रेस्टोरेंट, वहाँ पर चलते हैं। उसके बाद में वहाँ पर पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद में फिर वहाँ से निकलेंगे। सीधा आपको उल्लूबाड़ी पहुँच के ही बात करता हूँ। दोस्तों, हम लोग फाइनली उल्लूबाड़ी पहुंच चुके हैं। सो आप सोच रहे होंगे कि मैं अगर इस्कॉन जा रहा हूँ तो इस्कॉन में ही क्यों नहीं खा लेता। भाई, उसका पीछे का रीज़न ये है कि मैंने फ़ोन किया था प्रभु जी लोग को, लेकिन उन्होंने बोला कि एक से साढ़े एक के बीच में जो प्रसादम होता है वो ख़त्म हो जाता है। वैसे श्रीहरि रेस्टोरेंट में मैं जा चुका हूँ और ब्लॉगिंग करिए सर दादा। और दोस्तों, यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन अभी जस्ट आपने जो सुना वो एक्चुअली क्या हुआ था कि पता नहीं कोई अननोन पर्सन था अचानक से मुझे रोक के बोल रहा है कि क्या कर रहा है तुम। मैं बोला उसको व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो वो बोले क्यों व्लॉग शूट करेगा तुम। इससे पहले कि बात आगे बढ़ता तो मैं आगे निकल गया, क्यों कौन फालतू में मुँह लगेगा उन लोगों से। दोस्तों, मैं उस इंसान को यही बोलना चाहूंगा, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। तो दोस्तों, घूमते घूमते फाइनली मुझे एक रेस्टोरेंट मिला जहाँ पे 100% वेजिटेरियन फूड मिलता है। ये है मेरा पीछे, ये है आसाम वैली रेस्टोरेंट। तो चलिए यहाँ पे पहले जाते हैं, कुछ पेट पूजा करेंगे, उसके बाद में फिर यहाँ से वापस मंदिर जाएंगे। 346 मिनट्स लेटर। तो दोस्तों, मुझे वैसे भी महाप्रसाद खाना ही था और मुझे प्रभु जी का दुकान मिल गया। ये प्रभु जी का नाम है, रंगनाथ श्यामदास नाम है इनका। तो अगर आप लोग को प्योर वेजिटेरियन खाना खाना है विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक, प्रभु जी का दुकान में आया हूँ, आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं। प्रभु जी, लगभग कितना दिन हुआ आपका दुकान खुला हुआ? फरवरी में खुला था, लास्ट फरवरी। हाँ, फरवरी मतलब मार्च में बंद हो गया था ना। हाँ हाँ, कोरोना की वजह से बंद हो गया था। तो फरवरी में खुला था प्रभु जी ने दुकान, और फरवरी का ही वो लास्ट दिन था जब मैंने लास्ट टाइम भगवान कृष्ण का दर्शन किया था। और उसके बाद से ऐसा हुआ कि एक साल तक डिजिटली दर्शन लेना पड़ा। तो चलिए, हमारा जो नाश्ता है वो हमें सर्व हो चुका है, अभी चलिए वो खाते हैं। Much, much, much later. तो दोस्तों, हम लोग का महाप्रसाद हमें मिल चुका है। मैं नाश्ता बोल रहा था, सॉरी, एक्चुअली दिस इज महाप्रसाद। महाप्रसाद की जय। भज मन राधे 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 राधे। एग्जैक्टली व्हाट आई एक्सपेक्टेड, इट इज वेरी डिलीशियस। और ये भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद है।
भाई ऐसा घर में नहीं मिलता नसीब, माँ प्रसाद खाने का हम माँ प्रसाद खाने का बाकी कुछ नहीं। राधे गोविंदा आचार भी हो गए काफी अच्छा है दोस्तों। चलिए महाप्रसाद खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद में आपसे मिलता हूँ। 3 days later श्री राधे श्री राधे। तो दोस्तों चलिए अब यहाँ से हम लोग जाएंगे मंदिर में और महाप्रसाद खा के हम टुनटुना गए बबुआ। वैसे मैं बहुत बार इस्कॉन आ चुका हूँ और वैसे इस्कॉन का मैंने एक ब्लॉग भी बनाया है, ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ गया है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। हालांकि ये शॉर्ट वीडियो था, उसमें ब्लॉगिंग मैंने नहीं किया, जस्ट वीडियो ही शूट किया था, और इस वीडियो में आपका प्रॉपर ब्लॉग मिलेगा आपको। तो कीप वॉचिंग एंड कीप एन्जॉइंग। 1 week later दोस्तों एक्चुअली ये जो बी बोलो कॉलेज वाला जो रास्ता है वहाँ पे मैं वापस आके खड़ा हुआ हूँ, उसका पीछे रीज़न ये है कि मेरा एक फ्रेंड आ रहा है और इससे मैं बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ और इसको मैंने फ़ोन किया था। मेरा ऐसा प्लान था कि आज हम लोग 3 घंटे जाने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया क्योंकि भगवान कृष्ण को कुछ और मंजूर था, वो अपना सेवा के लिए बुलाना चाहते थे। आई एम रियली फॉर्चुनेट कि आज उनका सेवा करने का मौका मिलेगा उतना दिन बाद। तो चलिए अभी के लिए वेट करते हैं, उसको आने दीजिए, जब वो आ जाता है उसके बाद में उसका साथ यहाँ से हम मंदिर चलेंगे। तो दोस्तों मेरा दोस्त जो था वो आ चुका है और वो कैमरा में नहीं आना चाहता तो मैं उसको दिखाऊंगा नहीं। और हरे कृष्णा प्रभु जी, मिलिए हमारे प्रभु जी से। हरे कृष्णा। तो दोस्तों अभी चलते चलते ही आपको एक ही डिवोटी मिला है, अभी आप आगे हमारे साथ चलते रहिए, अभी आपको बहुत सारे डिवोटी मिलने वाले हैं, बहुत मजा करने वाले हैं आप भी। तो दोस्तों हम लोग फाइनली इस्कॉन टेम्पल के एकदम गेट पे पहुंच चुके हैं और मुझे आधा घंटा पहले आना था और आधा घंटा लेट हुआ हूँ मैं दोस्तों। तो एक साल के बाद फाइनली मंदिर ओपन होने वाला ही है, बस 2 या 3 मिनट का वेट कीजिए, उसके बाद भगवान से मिल लीजिएगा। लेकिन ये जो लाइन देख रहे हैं यार पीछे, ये मंदिर का बाहर का लाइन है और हो सकता है कि ये लाइन और भी बढ़े। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे भीड़ बढ़ने वाला है और भीड़ बढ़ ही रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पीछे कितना भीड़ है, मंदिर खुलने का सब वेट कर रहे हैं और पीछे अभी भी आदमी लोग आ रहे हैं और प्रभु लोग से पूछते हैं कैसा लग रहा है आज मंदिर खुल रहा है इतना दिन बाद। तो प्रभु आपको कैसा लग रहा है मंदिर इतना दिन बाद खुल रहा है, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया प्रभु का दर्शन किया हुआ। पहले तो हरे कृष्णा प्रभु, हमारे आपका 1 ईयर हो ही चुका होगा, इतना दिन से हम प्रभु हम लोग को दर्शन नहीं दे रहे थे, तो आज बहुत ही एक आनंद का दिन है, तो बहुत दिन के बाद प्रभु हमको दर्शन देंगे, जो प्रभु के दर्शन के लिए हर कोई मतलब बहुत ही तरसता है, तो मैं भी तरस रहा था बहुत दिन से। तो हम लोग अभी वही हाल था प्रभु जी, हम लोग अभी वही हाल था, तो आज मैं तो सर्व कीर्तन के लिए वो जो नृत्य होता है ना कीर्तन में उसके लिए ज़्यादा तरस रहा था। आज रात में भी मतलब सोच रहा था कब दर्शन होगा प्रभु का, तो आज का दिन भी बहुत वैसे ही कब होगा, तो वो समय आ गया है, अभी 4 बजने ही वाला है, 4 बज चुका है, हाँ 4 तो बज चुका है, तो अभी मंदिर खुलेगा ही तो हम लोग दर्शन करेंगे। और आज हम लोग का खुशी x200 होने वाला है, 100 नहीं बोलेंगे, 200 के 1000 होने वाला है, क्योंकि प्रभु का दर्शन करने को मिलेगा 1 साल बाद। हाँ। ना प्रभु सही बोले ना, प्रभु का दर्शन मिलने से तो और क्या चाहिए इस युग में। हाँ। तो ऐसा कहीं मतलब सुख नहीं है जो भगवान का चरण में भगवान का दर्शन में मिलता है। वृंदावन का जो गोपी थे तो उन लोग मतलब ब्रह्मा जी को मतलब बोल रहे थे कि आप क्या क्रिएशन किए हैं, जो मतलब हम लोग का आइज जो है भगवान जब सामने रहते हैं तो वो जब सामने पलक झपक जाता है, हाँ पलक झपक जाता है, तो आप क्या क्रिएशन किए, तो हम लोग तो 1 ईयर से बैठे हैं, 1 ईयर से दर्शन नहीं हुआ, तो हम लोग को कितना खराब लग रहा होगा। वही तो सबको खराब लग रहा होगा, आज बहुत ही मतलब अच्छा रहेगा, तो देखते हैं चलिए। हाँ वही देखते हैं, चलिए आप भी देखिए और दर्शन कीजिए, और आप लोग आना चाहते हैं तो मंदिर खुल गया है, जल्दी आ जाइए दर्शन कर लीजिए, एंड टाइमिंग्स है 4 to 7 एवरी डे, आई थिंक इट्स 4 to 7, सो यू कैन कम डेफिनेटली। तो दोस्तों जिसका पास मास्क नहीं होगा उसको एंट्री नहीं मिलेगा मंदिर में, तो यहाँ पे आप 10 रुपये में खरीद सकते हैं मास्क,
देखिए ये लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो मास्क आ जाने दीजिए। ये लोग परचेस करेंगे यहाँ से, उसके बाद में ये लोग अंदर जाएंगे मंदिर में, और मंदिर में एक एक करके जाना अलाउड है। ज़्यादा भीड़ नहीं करना है, दर्शन करके वहाँ पे आपको वॉल वॉल टच नहीं करना है। अंदर सर्कल बनाया हुआ है कि आप एक आदमी का बाद में एक आदमी जा सके। सभी लोगों के लिए बहुत सुंदर महाप्रसाद भी रखा गया है, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं क्या, ले लीजिएगा महाप्रसाद। महाप्रसाद बहुत नसीब वाले को ही मिलता है। समझ रहे हो आप साथ? छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार। समझे? चलो हरिद्वार। इसको प्लीज कट कर दीजिएगा। गोविंद प्रभु, मेंटेन सोशल डिस्टेंस प्लीज, दो गज की दूरी है जरूरी। दोस्तों पहले हम यहाँ पे सैंडल खोलेंगे और अपना पैर को धो लेंगे, उसका बाद में मंदिर का अंदर चलेंगे। 12 seconds later. दोस्तों हम लोगों ने अपना पैर धो लिया है और चलिए मंदिर का अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे लाइन लगा हुआ है, एक एक करके दर्शन करने को मिलेगा। हरे कृष्ण। अच्छा लगा दर्शन करके भाई, मजा आया। डेली 4 to 7 खुला है हम लोग का टेम्पल। हाँ, तो डेली 4 to 7 मंदिर खुला है, आप आ सकते हैं। फिलहाल ज़्यादा देर रुकने का परमिशन नहीं है, इट्स ओनली अलाउड फॉर 30 seconds। अभी चलिए हम लोग निकलते हैं। प्रभु जी हरे कृष्ण, आते हैं। दोस्तों यहाँ से भी एक रास्ता है मंदिर का अंदर एंटर होने का, जो पीछे वाला रास्ता है, तो वहाँ से भी आप आ सकते हैं। वैसे मैंने तो दर्शन कर लिया, बहुत शिफ्ट हो गया है मन, और चलिए यहाँ से निकलते हैं और वापस चलते हैं घर। नेक्स्ट मॉर्निंग। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना भी मत भूलना, और जितना हो सके शेयर करो भाई, अपना दोस्तों में फैला दो, पहुँचा दो, जो करना है करो, लेकिन इस वीडियो को हर जगह फैलाओ। और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, ताकि आप लोग ऐसा वीडियो एंजॉय कर पाएँ। और वैसे भी अभी ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी और बहुत सारे यूनिक वीडियोस लाने वाला हूँ मैं, जिसको आप देख के एकदम शॉक होने वाले हैं, तो सरप्राइज़ के लिए रेडी रहना। और दोस्तों बहुत लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैं 14 February को वीडियो क्यों नहीं बनाया, तो उसी का रिप्लाई देने के लिए मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, मेरे एक बड़े भैया हैं जिनका नाम है पप्पू यादव, वो देंगे आपको रिप्लाई। तो चलिए अब पप्पू यादव जी से मिलाता हूँ आपको। देखो वो जो उदेश दास को आप लोग देखते हैं ना, हम उसके बड़े भैया हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और वो इतना खुला में इतना फ्रेंकली बात नहीं करेगा जितना हम कर सकते हैं, बुझे? देखा बबुआ, वो कहा है कि हम वीडियो स्पेशली बना रहे हैं, उन लोग को हम ये जवाब देना चाहते हैं कि हम ठहरा सख्त लौंडा, हमको ये छौड़ी बाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जलवा है हमारा, ठीक है। और आज का दिन सब लोग खाली छौड़ी बटाता है। हम ठहरे सख्त लौंडे, हमको ये सब बिल्कुल भी सही नहीं लगता, ठीक है। अरे अभी से कल देख, आराम से देख। 14 तारीख को बहुत लोग पार्क वर्क में जाते हैं और ऐसा ऐसा स्टेटस देते हैं। क्या चाहती है? वो तो शादी के लिए चाहते हैं। अगर शादी नहीं होगा तो मर जाएंगे। पक्का? माँ बाप को भूल जाएंगे? मरेंगे तो भूलने करेंगे। 2 मिनट के लिए प्यार की तो माँ बाप को भूल गई तुम्हें? 2 मिनट के लिए प्यार नहीं किए तो क्या? तेरा जिंदगी बिताने के लिए प्यार किए। और ऐसा ऐसा स्टेटस देखने के बाद मन करता है कि बजरंग दल ज्वाइन कर ले और एक लठिया उठा के टपा टॉप मारे। बुझे? एकदम छूतरा लाल कर देंगे, समझे? रास्ता वास्ता में मत दिखना है हाथ पकड़ के चलते हुए। तो यह कारण है बबुआ लोग जो हम 14 तारीख को ब्लॉगवा नहीं बनाए। तो मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड हरे कृष्ण टू एवरीवन। दिस इज उदेश दास साइनिंग ऑफ। बाय बाय।